हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल वेल, मजे में, जबरदस्त, ग्रेट। सो आपकी अच्छी सेहत की और आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं ये दुआ करते हुए फिर से आपके सामने हाजिर हैं अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जिसको अनबीटेबल बनाया है आपने। अनअकैडमी आपके कारण अनबीटेबल है, अनस्टॉपेबल है। स्क्रीन पे नजर डालते हैं जी, कौन कौन जुड़ चुके हैं। वैसे मैं बिना स्क्रीन की तरफ देखे भी बता सकता हूं क्योंकि मैं आप लोगों को चैट पे देख रहा था, हाय हेलो भी हुई थी हमारी। सो वी हैव हुमा खान, वी हैव कनीज, वी हैव नातिक, वी हैव जुनेद, वी हैव काबेरी, वी हैव नगमा, सिमरन, प्रियल, शेफाली, दुर्गेश, सोनिया, मिंती, दामिनी, ह्यूरल, गुलनाज, गेरेश, संयोगिनी, उत्कर्ष, ग्रेट, वंडरफुल। चलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है अपने साथ जोड़ लीजिए और वीडियो का लिंक वायरल कर दीजिए। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए, बिकॉज आपस में आप लोगों की दोस्ती तो हो चुकी है इस समय। तभी मैं देखता हूँ प्यारे प्यारे मैसेजेस आप एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट जी, ग्रेट, सही, ढेर सारे हार्ट्स भेजे जा रहे हैं, वंडरफुल। विरल, आदित्य, दामिनी, मेघा, ऋषभ, किरण, हरि, पुनीता, प्रियल, राजेश, बाबू तुलसी, प्रिंसी, ग्रेट जी, ऋत्विज, वंडरफुल। नाम लेने का सिलसिला तो जारी रहेगा, बार बार जब स्क्रीन की तरफ मेरी नजर जाएगी तो ऑब्वियसली आपका नाम जरूर पुकारा जाएगा। आपके डाउट्स भी मोस्ट वेलकम है, आपके सजेशंस भी मोस्ट वेलकम है। वीडियोस अपलोड होने के बाद कमेंट जरूर किया कीजिए, वी ट्राई आर बेस्ट कि आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दिया जाए, राइट मेरे बेटा जी। चलिए बिना किसी डिले के साथ शुरुआत करते हैं। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर, लगभग 20 साल हो गए हैं बच्चों को गाइड करते हुए। बच्चों की मेहनत और मेरा मार्गदर्शन और उनके पेरेंट्स और चाहने वालों की दुआएं, ये मिलकर के फाइनल रिजल्ट लेकर के आती हैं। एक इंसान की सफलता के पीछे किसी एक ही शख्स का हाथ नहीं होता, सबसे पहले तो उसकी अपनी मेहनत होती है, उसके बाद बाकी सब बातें आती हैं। मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ, राइट जी। चलिए इसी बात पे जबरदस्त से लाइक्स बनते हैं आपकी तरफ से और मैं आगे बढ़ता हूं। समय की कदर करते हुए, टाइम बहुत कीमती है, सो आई ऑलवेज इंश्योर कि जितना भी समय इस प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ बिताते हैं उसका एक एक सेकंड आपके लिए किसी न किसी रूप में फायदेमंद जरूर हो। जेनेटिक्स का बेहतरीन टॉपिक चल रहा है जिसमें कि आप लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। लेक्चर नंबर 7 पे हम पहुंच चुके हैं। मेंडल से इस जर्नी की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म से बढ़ते बढ़ते इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, को-डोमिनेंस, और हम उस सफर को आगे ले आए हैं और आज हमने डिस्कस करने हैं इसमें लीथल एलील्स, राइट जी, और द लीथल जीन्स। लेकिन उससे पहले जरूर बता दूं, आप टेलीग्राम का ऐप अपने सेलफोन में जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और इस यूआरएल को टाइप करते समय कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। यही कारण हो जाता है कि आप हमारे साथ जुड़ नहीं पाते हैं, बिकॉज आप स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं कहीं ना कहीं छोटी सी भी, राइट मेरे बेटा जी। टेलीग्राम का ऐप क्यों जरूरी हो गया है मैं आपको बता दूं, बिकॉज आपके लिए हम एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज भी लेकर के आए हैं। यूट्यूब के बच्चों के लिए आपकी हमेशा ये डिमांड रही है कि सर हमें भी स्पेशल कुछ ना कुछ टेस्ट जरूर कराइए, तो हर सैटरडे के सैटरडे आफ्टरनून को, जैसे कल 1:30 बजे पे आपके साथ लाइव सेशन होगा मेरा टेस्ट एंड डिस्कशन का, जैसा कि पिछली बार केमिस्ट्री में भी हुआ था, अश्विनी सर ने आपके साथ लिया था, उसी तरह से बायोलॉजी का भी होगा, फिजिक्स का भी, हर सैटरडे के सैटरडे हमने ये रखा है आपके लिए। टेलीग्राम पर आपको उसका क्वेश्चन पेपर भेज दिया गया है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे हैं उन्हें मिल चुका है, जो नहीं है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय टुडे लेट इवनिंग आई विल अगेन इंश्योर कि पेपर आप तक पहुंच जाए, उसे सॉल्व कीजिएगा और कल हम उसे आमने सामने डिस्कस करेंगे दोपहर के 1:30 बजे डिटेल में। चलिए, प्लस का प्लेटफॉर्म बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो अनअकैडमी की तरफ से है आपके लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्लस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से प्लस पे जुड़ जाएं, बहुत सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज वहां पे हैं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपके सेलफोन में जरूर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे हैं आप तो पढ़ाई से रिलेटेड एप्लीकेशन आपके सेलफोन में होनी चाहिए। जो कोर्स आप कर रहे हैं दैट इज प्री मेडिकल नीट एंड एम्स, अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फायदा रहेगा ऑब्वियसली। नीट लाइव कोड यूज करना आप नहीं भूलेंगे, इससे आपको फायदा मिलेगा हमारी टीम की तरफ से, राइट राजा बेटा। चलिए जी, मैं फिर से कोड आपके लिए बता देता हूं यहाँ पे, इट इज नीट लाइव। और अब आ जाती है हमारी मेन कहानी, दैट इज जेनेटिक्स, राइट। कितना बढ़िया सा लगता है ना, फिल्मी सा लगता है आपको देख करके, पीछे जेनेटिक्स की जबरदस्त सी स्लाइड चल रही
एनर्जी है. एग्रीड, सहमत हैं जी. चलिए जल्दी से एनर्जी दीजिए मुझे और आपकी तरफ से मिलने वाले लाइक्स एनर्जी का काम करते हैं, एटीपी का. और शुरुआत करते हैं हम अपने इस बेहतरीन लेक्चर की, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. मेंडल का योगदान हम नहीं भूल सकते हैं, हर क्लास में हम थोड़ा बहुत जरूर याद करते हैं उन्हें. सो एक प्यारी सी कोटेशन, आपका गोल देखिए जरा मेरे पीछे क्या है, कितना बड़ा बड़ा लिखा है गोल. और निशाना बिल्कुल सही लगना चाहिए. निशाना लगाने वाली चीज क्या है? कलम है. कलम की मार कहते हैं तलवार से भी ज्यादा तीखी होती है. सो अपने हाथ का औजार बनाइए, अपनी कलम. डॉक्टर आप बनेंगे, जो आपके पेन से लिखा हुआ होगा कीमत उसी की होगी. आई होप आप इस बात को मानते हैं. एग्रीड जी. सो फोकस रहिए, एनर्जी लेते रहिए. आप इन बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े हैं. सो आपको बातों से भी एनर्जी मिलती है बहुत ज्यादा. जब हम बातचीत करते हैं आपके साथ, यू फील एनर्जेटिक. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई कि थोड़ा सा समय आपके साथ जो है आपको मोटिवेट करने में जरूर बिताया जाए. राइट जी, एक बार फिर से मैं स्क्रीन पर नजर डाल रहा हूं. खुशी है, होलनाज, शिवेंद्र, श्रेया, आयात, आकृति, दामिनी, गार्गी, अंशुमन, मेघा, कावेरी, ऋषिकेश, डॉली, सिमरन. ग्रेट जी, वंडरफुल. सभी राजा बेटा एंड राजा बेटियां जुड़ चुके हैं. सो देखते हैं जी हम क्या पढ़ रहे थे. मैं ओवरऑल फिर से आपको एक ब्रॉड वे में आइडिया दे दूं. वी आर डिस्कसिंग जीन इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन एंड इंटरजेनिक इंटरेक्शन. राइट जी, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस वी हैव डिस्कस्ड, co-dominance we have discussed, multiple alleles we have discussed, और आज हम क्या discuss करने जा रहे हैं? Lethal alleles, right जी? So intragenic interaction topic में ये वाले topics हम already discuss कर चुके हैं. मैं tick कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको भी ध्यान रहे कि क्या क्या चीजें सर ने cover करवा दी हैं. We have discussed incomplete dominance, Mirabilis jalapa का example लिया था, Enterhinum majus का example लिया था, कोडोमिनेंस वाली बातें हमने डिस्कस करी थी, मल्टीपल एलील्स हमने डिस्कस की. आज हमारी डिस्कशन का मुद्दा है दैट इज लीथल एलील्स. एंड आने वाली क्लासेस में वी हैव टू डिस्कस एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, उसके बाद हम प्लियोट्रॉपी एंड देन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी डिस्कस करेंगे. ठीक है राजा बेटा? सो आज हमारा टॉपिक जो है डिस्कशन का, दैट इज लीथल एलील्स और द लीथल जीन्स. राइट जी, शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल जी. सदीका इजहार, ओके, कह रहे हैं जी मेरा नाम नहीं लिया आपने, आपका नाम है ही यूनिक, मैंने ले लिया आपके कहने पे. वेरी गुड. चलिए, आप लोगों ने कहा था वो जो डीएनए पीछे चलता है वो हमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है. सो मैंने आपके लिए वो डीएनए हटा दिया है. राइट जी, अब हम कुछ और लेकर के आए हैं आपके लिए, देखेंगे. वेल, सबसे पहले बात करते हैं कि लीथल वर्ड का मतलब क्या है. जब आप लीथल की बात करते हैं, सुनी, लीथल शब्द का मतलब क्या है? जानलेवा, जिसके कारण जो है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अराइज हो सकती है, उसे हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर जीन लीथल है, ये मृत्यु का कारण बन सकता है. लीथल एलील्स कई तरह के होते हैं. हम पढ़ेंगे देर आर डोमिनेंट लीथल एलील्स, देर आर रिसेसिव लीथल एलील्स एंड देर आर कंडीशनल लीथल एलील्स ऑल्सो. खुद ही सोचिए, अगर डोमिनेंट लीथल एलील होगा तो जो इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, द वन विच इज कैरिंग दोज जीन्स विल डाई. तो इस तरह के एलील्स जीन्स उसी जेनरेशन में खत्म हो जाएंगे, उनका अगली जेनरेशन में जाने की संभावना बहुत कम रहती है. बिकॉज ये डिपेंड करता है कि उस लीथल एलील के कारण, उस जानलेवा एलील के कारण ऑर्गेनिज्म की डेथ किस स्टेज पे हो रही है. राइट, अलग अलग तरीके से ये एलील्स इफेक्ट करते हैं. हो सकता है कि उसका जन्म होने से पहले, बिफोर दैट बेबी इज बॉर्न, राइट, या बिफोर दैट ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न, उसकी डेथ इंट्रायूट्राइन लाइफ में हो जाए, या एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में हो जाए, या फिर रिप्रोडक्टिव एज से पहुंचने से पहले हो जाए. अगर तो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाता है ऑर्गेनिज्म लीथल एलील होने के बावजूद भी, तो अगर वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाता है तो वो अगली जनरेशन तक पास ऑन कर देगा उसे. सो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे हंटिंगटन स्कोरिया आपने पढ़ा है. राइट, सो लीथल एलील्स डोमिनेंट, रिसेसिव या फिर कंडीशनल हो सकते हैं. रिसेसिव ज्यादातर देखे गए हैं, राइट, बिकॉज वो पॉपुलेशन में परसिस्ट कर जाते हैं. जहां तक कंडीशनल लीथल एलील्स का सवाल है, वो पर्टिकुलर कंडीशंस में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. उसमें हम G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम डेफिशिएंसी डिस्कस करेंगे. सो बेटा जी, सबसे पहले फिर से बता देता हूं, लीथल शब्द का मतलब जानलेवा, जिसके कारण डेथ हो जाती है. क्लियर है जी? राइट, आगे बढ़े.
ग्रेट, सारे नोट्स आपको तैयार मिलेंगे, सिर्फ आप आवाज पे फोकस रखिएगा, आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स आपके लिए एकदम कैटेगराइज करके ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस के साथ लिखी हैं, सो आपको अलग से कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, पूरे का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पढ़ते हैं बेटा जी पहली लाइन, एन एलील दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लीथल एलील। ठीक है, जिसमें यह ताकत होती है कि वो ऑर्गेनिज्म की डेथ कर सकता है, वो लीथल एलील कहलाता है। टाइम ऑफ डेथ विल डिपेंड ऑन व्हेन द प्रोडक्ट इज एसेंशियल। अब उस एलील के कारण मृत्यु होगी कब, ये निर्भर करता है कि उस एलील के कारण जो एंजाइमेटिक प्रोडक्ट बन रहा है वो चाहिए कब, किस समय पे वो चाहिए। इन मैमल्स, ध्यान दीजिएगा, This might occur during development, जब embryonic development हो रही है, mammals में अक्सर देखा गया कि ये तभी हो जाता है, early childhood में हो सकता है और even during adulthood भी ये situation हो सकती है। आगे देखते हैं, When the absence of a specific protein results in a lethal phenotype, the gene that encodes the protein is considered essential gene for survival. यदि एक जीन के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट सर्वाइवल के लिए जरूरी है तो वो essential है। नॉन essential genes भी होते हैं। नॉन essential genes का मतलब ये नहीं है that they are not absolutely required for survival. Although they are likely to be beneficial to the organism. Non-essential genes, they are likely to be beneficial to the organism. लेकिन जो essential genes हैं, जो survival के लिए जरूरी हैं, उनमें हुआ mutation भयंकर गड़बड़ कर सकता है उस organism के लिए। A mutation in a non-essential gene will not usually cause death. यदि म्यूटेशन नॉन एसेंशियल जीन में हो रहा है तो उससे ऑर्गेनिज्म की मृत्यु नहीं होगी। रेयर ओकेशंस में हो सकता है कि नॉन एसेंशियल जीन में भी ऐसा म्यूटेशन आ जाए कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना दे विच कैन रिजल्ट इन अ लीथल फिनोटाइप। राइट जी, क्लियर है इतनी बात, लीथल जीन्स का मतलब समझ आ गया आपको। बेसिकली कई लीथल जीन्स ऐसे हैं जो सेल डिवीजन को ही रोक देते हैं एंड दे कॉज एन ऑर्गेनिज्म टू डाई एट अ वेरी अर्ली स्टेज। और कई लीथल एलील्स ऐसे होते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव एज तक भी जिंदा रहने देते हैं ऑर्गेनिज्म को, और अनफॉर्चुनेटली ट्रेजिकली ये हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस हार्मफुल एलील को अगली जनरेशन तक पास ऑन कर चुका होगा, जैसा कि हम हंटिंगटन्स कोरिया के केस में देखेंगे। 40 साल की उम्र पे बाद जाकर के अगर लक्षण आ रहे हैं उस चीज के, तो तब तक वो अगली जेनरेशन में जा चुका होगा। राइट जी, नाउ अ लीथल जीन कैन बी डिफाइंड, हाउ कैन यू डिफाइन इट, एज जीन हुज फीनोटिपिक इफेक्ट इज सफिशियंटली ड्रास्टिक टू किल द बियरर एंड दे आर यूजुअली इनहेरिटेड इन अ रिसेसिव मैनर। ये भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज डोमिनेंट सिचुएशन में तो वो इंडिविजुअल खुद ही मर जाएगा ना। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि डोमिनेंट एलील जो है और वो लीथल है और वो इंडिविजुअल जो है रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचने पाए। क्लियर है जितनी बात, द नॉर्मल सेग्रीगेशन रेशियो यहां पे 2:1 में आ जाता है, ये हम आगे समझेंगे, लेकिन आपको ये रेशियो याद रखना है 2:1। राइट जी, लीथल एलील सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखेंगे, ल्यूसिन क्यूनॉट, while he was studying the coat color in mice. अब ये coat color in mice का जो example है वो हम detail में यहाँ पे discuss करने वाले हैं। Coat color in mice में we'll discuss that there is an agouti color. I hope you understand agouti. Agouti का मतलब कितने लोग clearly समझते हैं, बताइए मुझे, चलिए जल्दी से। अगूटी का, हाँ बिल्कुल खुशी, आपने सही कहा, शुरुआत की स्टेजेस में डायग्नोस किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, हार्मफुल जीन प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उनका पता लगाया जा सकता है। आशुतोष जी जल्दी से बताइए, बिल्कुल अनुराग श्रीवास्तव आपने सही कहा, हम एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में इनका डायग्नोस कर सकते हैं। बोलिए बेटा जल्दी से, अगूटी शब्द का मतलब कितने लोग क्लियरली समझते हैं। कोट कलर इन माइस में आपने एग्जांपल पढ़ी है, अगूटी कलर होता है कि येलो माउस है, उनको क्रॉस करते हैं, अगली जनरेशन येलो आती है, येलो येलो को आपस में क्रॉस करते हैं तो कुछ चूहे जो है वो मर जाएंगे, वो लीथल कंडीशन में आ जाएंगे। सो माई क्वेश्चन इज हाउ मेनी, नहीं रैबिट नहीं होता, अगूटी का मतलब AGOUTI, अगूटी,
आप कह रहे हैं येलोविश, ओके. मैनी स्टूडेंट्स आर सेइंग नहीं पता सर, चितकबरा. नहीं, चितकबरा नहीं कहते जी अगूटी को. चलिए मैं आपको समझाऊंगा. आपने अगूटी रैबिट में भी पढ़ा था, अगूटी वर्ड यहां भी यूज हो रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगूटी. अगूटी का बेसिकली मतलब होता है कि काला रंग हो और उसमें कहीं कहीं बीच में येलोविश कलर के निशान हो, येलोविश डॉट्स हो या पैचेस हो, तो उसको आप अगूटी कह देते हैं. जैसा मैं आपको बना करके दिखा देता हूं, यहां पे मान लीजिए हमने बाल बनाना है, चूहे का एक बाल की बात कर रहे हैं अब, हेयर की. सो मान लीजिए ये हेयर का स्ट्रैंड है उसका, ओके जी. ये पूरे का पूरा हम ब्लैक कलर का दिखा देते हैं, ओके. एंड बीच में इसमें मैंने कहा कहीं कहीं येलो कलर का पैच हो, तो ये कहलाता है. अब आप कहेंगे ये कलर हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, चलिए मैं ब्लैक के लिए लिख देता हूं आपको. दिस इज अगूटी, राइट जी. दैट इज ब्लैक हेयर स्ट्रैंड with a small patch or a small dot of yellow. ठीक है जी, अगूटी शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है. क्लियर है जी, राइट. चलिए आगे देखते हैं. टाइप्स ऑफ लीथल जीन्स. एज आई टोल्ड यू, देर आर डोमिनेंट लीथल जीन्स, देर आर रिसेसिव लीथल जीन्स एंड देर आर कंडीशनल लीथल जीन्स. कंडीशनल शब्द से मतलब है कि भाई नॉर्मली तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन यदि एनवायरनमेंट बदला गया, एनवायरनमेंट का बदलना हो सकता है कि तापमान आपने चेंज कर दिया, जैसे हम ड्रोसोफिला के केस में देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लार्वे सर्वाइव कर रहे हैं और वो टेम्परेचर बदलने पर लार्वे सर्वाइव नहीं कर रहे हैं. ऐसा ही G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम डेफिशिएंसी का केस पढ़ेंगे. फेविज्म भी जिसे कहते हैं, फावा बीन्स, काली मटर, पढ़ेंगे इसके बारे में. G6PD एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर कंडीशंस में नुकसानदायक हो जाता है, रिजल्टिंग इन हीमोलाइसिस ऑफ द RBCs. ठीक है बेटा. सो तीन प्रकार के लीथल जीन्स, डोमिनेंट, रिसेसिव एंड कंडीशनल. आगे बढ़ते हैं, पहले डिस्कस करते हैं डोमिनेंट लीथल जीन्स. ध्यान से सुनिएगा, दीज आर लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन. जब ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो लीथल है. एंड दे प्रोड्यूस सम डिफेक्टिव और एबनॉर्मल फीनोटाइप इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन. अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में आ गए तो लीथल है ही, हेट्रोजाइगस अवस्था में भी वो कोई ना कोई एबनॉर्मल फीनोटाइप या नुकसानदायक चीज जरूर बनाएंगे. दिस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बताया ना कि जिसमें वो डोमिनेंट लीथल जीन होगा वो इंडिविजुअल खुद ही मर जाएगा. दिस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज व्हाट इज द रीजन, द इंडिविजुअल्स कैरिंग दीज जीन्स दे डाय. डोमिनेंट सिचुएशन में दे डाय. So they are lost in the same generation. लेकिन कहीं कहीं रेयर एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर वो डेथ लेट अवस्था में जाके हो रही है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंच गया है और अगली जेनरेशन आ चुकी है, तो वो फिर अगली जेनरेशन में पास ऑन हो जाएंगे. डोमिनेंट लीथल एलील्स आर रेयरली ऑब्जर्व्ड. इसी कारण से For these alleles to exist in a population, the affected individuals, यदि आप चाहते हैं कि वो population में exist करे, the affected individual must reproduce before the lethal allele is expressed, as it happens in case of Huntington's disease or Huntington's chorea. If all the affected individuals die before reaching the reproductive age, the mutant gene will not be passed on to the future generation. इतनी बात क्लियर है जी आपको. डोमिनेंट लीथल एलील्स रेयरली देखने को मिलेंगे पॉपुलेशन में, क्योंकि जिसमें वो डोमिनेंट एलील है, लीथल एलील, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर वो अगली जनरेशन में जाएगा कैसे, अनलेस एंड अंटिल कोई नई म्यूटेशन दोबारा से हो और फिर वो उसे लीथल बना दे, या फिर रेयर ऑफ द रेयर वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचे और अगली जनरेशन तक उसे पहुंचा पाए. क्लियर है जी, राइट मेरे बेटा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी समझेंगे. एग्जांपल्स, दीज आर इंपॉर्टेंट. मैं इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन फ्रेम होता है. लीथल जीन्स इन माउस कोट कलर, जो सबसे पहले जहां पे स्टडी किए गए थे, हंटिंगटन स्कोरिया इन ह्यूमंस, एंड एक बहुत ही प्यारी सी बिल्ली भी आपको दिखाने वाला हूं, दैट इज मैक्स कैट, जिसमें म्यूटेशन हो जाने पे उसका स्पाइन का लेंथ छोटा हो जाता है.
तीन एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखी है बेटा जी डोमिनेंट लीथल जीन्स की. दैट इज लीथल जीन इन द माउस कोट कलर, हंटिंगटन्स कोरिया इन ह्यूमंस एंड मैंक्स कैट. राइट जी, देखते हैं आगे. सबसे पहले बात करते हैं लीथल जीन इन द माउस कोट कलर, चूहे वाली बात जो मैं आपको बता रहा था. अगूटी वर्ड मैंने आपको समझाया. अगूटी जीन इन माइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द कोट कलर. द वाइल्ड टाइप एलील प्रोड्यूसेस अ ब्लेंड ऑफ येलो एंड ब्लैक पिगमेंटेशन. मैंने कहा ना ब्लैक कलर और उसके बीच बीच में येलो स्पॉट्स. दिस येलो एंड ब्लैक ब्लेंड मे बी रेफर टू एज अगूटी इन कलर. सो आई होप अब आपको अगूटी शब्द का मतलब पता चला है. और ये अगूटी देखने में कैसा लगता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं, फिर इनके क्रॉसेस के बारे में भी जानते हैं. इधर देखिए जी, ये हमने येलो माइस क्रॉस कराए हैं, इसमें आपको अगूटी कलर नजर आ रहा है जिसे आप ग्रे ब्राउन भी कह रहे हैं. बिकॉज जब वो ब्लैक के ऊपर येलो स्पॉट्स, ओवरऑल वो जो आपको नजर आएगा वो देखने में कुछ ऐसा दिखेगा जिसे आप ग्रेइश ब्राउन कह सकते हैं. इसका क्रॉस कराने पे हमें क्या नतीजा मिल रहा है कि अगूटी जो है वो सर्वाइव कर रहा है, येलो माइस सर्वाइविंग. बट जो लीथल कंडीशन हो जाएगी दैट इज ए स्मॉल वाई. राइट जी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लीथल जीन इन माउस कोट कलर. सो आप अगूटी वर्ड का मतलब समझ गए थे, इससे आगे बढ़ रहे हैं. देखिए, वन ऑफ द म्यूटेंट एलील्स ऑफ द अगूटी जीन. अगूटी जीन का एक म्यूटेंट एलील रिजल्ट्स इन माइस विद अ मच लाइटर येलोइश कलर. एक अगूटी वैरायटी आपने देख ली, एक येलो वैरायटी. व्हेन दीज येलो माइस आर क्रॉस्ड विद होमोजाइगस वाइल्ड टाइप माइस. अगूटी और येलो को जब क्रॉस करते हैं, 1:1 रेशियो ऑफ येलो एंड डार्क ग्रे ऑफस्प्रिंग इज ऑब्टेन्ड. दिस इंडिकेट्स दैट येलो म्यूटेशन इज डोमिनेंट and all the parental yellow mice are heterozygotes for the mutant allele. आप बात समझे? Right जी? अगूटी को हमने yellow के साथ cross कराया है इसमें. Crosses between the various combinations of two strains, they yield unusual results. When you cross agouti with agouti, we get all agouti. Clear है जी? But when you cross yellow with yellow, you are getting 2/3 yellow, 1/3 agouti. When agouti is crossed with yellow, we get 1/2 yellow and 1/2 agouti. ठीक है? अब इसकी वजह क्या हो रही है? उसको समझते हैं आगे. इधर देखिए. The mutant yellow allele, ये बात important है. The mutant yellow allele, it is dominant to the wild type agouti allele A. So heterozygote mice will have the yellow coat. यही कारण है. Otherwise आप अगूटी कलर को जब डोमिनेंट मान के चल रहे हैं तो जब क्रॉस कराएगा येलो के साथ तो अगली सारी जनरेशन अगूटी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा है. So the heterozygous mice will have a yellow coat. The yellow allele is also a homozygous recessive lethal. This is what is important. The yellow allele is also a homozygous recessive lethal. So when it is present in two copies, the mice will die before the birth. Thus, there are no homozygous yellow mice. Clear hai ji baat? Right? Aage badh sakte hain? Bataiye, jaldi se, Ved Vyas, Rajesh, पुनीता जी, वैशाली, अनुराग, स्नेहा, आयात अमीन, ऋषिकेश. क्लियर है जी? आगे बढ़ सकते हैं जल्दी से. बहुत सारी एग्जांपल्स हमने डिस्कस करनी है. एक चूहे की एग्जांपल भी नहीं अटक जाना, चूहे के बाद बिल्ली भी है हमारे पास. ठीक है, ये क्रॉस भी बना हुआ है यहां पे. अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया, स्लाइड्स जब अपलोड हो जाएंगी आप एक बार ध्यान से इत्मीनान से पढ़िएगा, तब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जब येलो माइस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे ही उनकी डेथ हो गई इस लीथल कॉम्बिनेशन के कारण. दैट मींस जो अदर अगूटी जीन है जो नॉर्मल सेल्स में एक्सप्रेस हो रहा है वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है. अगर ये लीथल एलील डबल डोजेज में इसमें डबल एक्सप्रेस हो जाएगा तो ऑब्वियसली द एनिमल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव.
क्लियर है जी. चलिए नेक्स्ट डिजीज पे आ रहा हूं जिसका मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाता है इंडिविजुअल तो वो उसे अगली जेनरेशन में पास ऑन कर देगा. नॉर्मली तो डोमिनेंट लीथल एलील्स वाला इंडिविजुअल जिंदा ही नहीं रह पाता है, लेकिन कई रेयर एग्जांपल्स ऐसी हो जाती हैं, जैसा कि हंटिंगटन्स कोरिया. इट इज ड्यू टू अ डोमिनेंट ऑटोसोमल एलील दैट वी रिप्रेजेंट एज कैपिटल एच. द ऑनसेट ऑफ द डिजीज इन हेट्रोजाइगोट्स इज डिलेड usually well into the adulthood. The affected individuals then undergo gradual nervous and motor degeneration. Huntington's chorea ke lakshan kya hai? Dheere dheere jaise umar badhti jayegi, neuromuscular coordination jo hai, wo disturb hota jata hai. This lethal disorder is particularly tragic. Now, tragic kyun kaha ise? कारण वही है कि इसका लेट ऑनसेट है. लगभग 40 की उम्र के आसपास जाकर के इसके लक्षण जो है वो आने शुरू हुए, और तब तक ऑब्वियस सी बात है इंसान की शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, तो अगली जेनरेशन में जाने की कितनी ज्यादा संभावना है उसकी. बाय दैट टाइम द अफेक्टेड इंडिविजुअल मे हैव प्रोड्यूस्ड अ फैमिली एंड ईच ऑफ देयर चिल्ड्रन हैज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ इनहेरिटिंग द लीथल एलील. And so this is how it is going to be transmitted to the next generation. Clear hai ji? Huntington's chorea wali baat samajh aayi aapko? Zameer Ahmed ji, Dr. Rajesh, Aya, Isha, Madhusmita, Vinod, Sneha, Punita Kumari, Ishashri ji. Clear hai? Right? Priyal, Mudassir Hashmi. ग्रेट. सिकल सेल एनीमिया पे भी अभी आते हैं बेटा. आप सिकल सेल एनीमिया की जो बात कर रहे हैं, इन माय प्रीवियस लेक्चर्स मैंने सिकल सेल एनीमिया डिटेल में समझा दिया हुआ है, फिर भी आज आपको जब रिसेसिवली इनहेरिटेड डिसऑर्डर बताऊंगा उसमें सिकल सेल एनीमिया फिर से बता दूंगा. ठीक है जी. सिकल सेल एनीमिया में हमने पढ़ा था कि भाई ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, ये को डोमिनेंस शो कर रहा है या डोमिनेंस शो कर रहा है. तब मैंने बताया था कि अलग अलग लेवल पे जब आप स्टडी करेंगे तब आप सिकल सेल एनीमिया को समझ पाएंगे अच्छे से. चलिए आज का पहला एनिमेशन आपके लिए. आप हमेशा कहते हैं कि सर कुछ ना कुछ आप अच्छी सी एनिमेशन हमें या वीडियो जरूर दिखाया कीजिए. तो आपके सामने ये प्यारी सी बिल्ली जो आपको नजर आ रही है जी, दैट इज मैक्स कैट. ये एग्जाम्पल शायद आपने एनसीईआरटी या नॉर्मल बुक्स में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए है. अगर आप याद रख पाए तो वेरी गुड. डोमिनेंट लीथल एलील की एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए और ली है, दैट इज मैंक्स कैट. दिस इज अ ब्रीड ऑफ कैट्स नोन एज मैंक्स विच ओरिजिनेटेड इन द आइल ऑफ मैन. ये एक जगह है जहां पर यह सबसे पहले ओरिजिनेट हुई है ये प्रजाति. This cat carries a dominant mutation that affects the spine. जिसके कारण इसके spine का length छोटा है, पूंछ भी नहीं होती. This mutation shortens the tail. बहुत छोटी हो सकती है या नहीं होगी. Resulting in a range of tail length from normal to the complete tailless. तो ये Manx cat में एक mutation हुआ है, dominant mutation, जिसके कारण उसकी पूंछ की जो length है, spine की जो length है, वो बहुत ही छोटी होती है. Cute लग रही है आपको ये बिल्ली? Thank you so much जी. चलिए आगे देखते हैं. When two Manx cats are crossed to each other, the ratio of the offspring is one normal to the two Manx. Same बिल्ली आप देख लीजिए, पूंछ नहीं है. About 1/4 of the offspring they die early during embryonic development. The Manx phenotype is dominant, whereas the lethal phenotype occurs only in the homozygous condition. Next में cross दिखाया गया है, ये देख लीजिए. This is again Manx cat. You can see tailless, nearly tailless, or the tail is very short. जिसमें हम यहाँ पे sperm ले रहे हैं, capital M, small m, Punnett square देखिए. एग में कैपिटल एम स्मॉल एम, जब कैपिटल एम वाला कॉम्बिनेशन बना है सो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है एनिमल की. हेट्रोजाइगस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं ये सरवाइव कर रहा है. दिस इज द होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन. सो 1:2 का रेशो मिलता है यहां पे. क्लियर है जी. मैंक्स कैट का एग्जांपल. सो माउस में कोट कलर हमने देख लिया, हंटिंगटन्स कोरिया का एग्जांपल देखा, मैंक्स कैट का एग्जांपल देखा. डोमिनेंट लीथल एलील्स में, लीथल शब्द का मतलब जानलेवा, जिस एलील के मौजूद होने से ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो जाए. मृत्यु होने का समय कोई निर्धारित नहीं है. यह भी हो सकता है कि शुरुआत की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस में हो जाए, पैदा होने के बाद हो, रिप्रोडक्टिव एज तक ना पहुंचने पाए. अगर रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाए तो
वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो अगली जेनरेशन में भी वो डिसऑर्डर जाने के बहुत चांसेस हैं। क्लियर है जी? राइट ओके जी। नेक्स्ट हम आ रहे हैं बेटा रिसेसिव लीथल एलील्स पे। ज्यादातर यही देखने को मिलते हैं रिसेसिव कंडीशन में। रिसेसिव लीथल एलील्स क्या है? द रिसेसिव लीथल जीन्स प्रोड्यूस लीथल इफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, देयर हेटरोजाइगोट्स आर नॉर्मल। जैसा कि आप सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे थे ना अभी, रिसेसिवली इनहेरिटेड डिसऑर्डर, दो प्रकार का हीमोग्लोबिन HbA HbS। तो जब HbA HbS है मतलब सिकल सेल्ड वाला भी है और नॉर्मल आरबीसीज भी है, तो फिनोटिपिकली कोई इतना नुकसान नहीं होता। इनफैक्ट हमने पढ़ा था कि हेटरोजाइगोट्स को तो सिकल सेल एनीमिया में सिलेक्टिव एडवांटेज होती है, प्लाज्मोडियम जो है अपना लाइफ साइकिल सक्सेसफुली उन आरबीसीज में कंप्लीट नहीं कर सकता। लेकिन जब वो रिसेसिव अवस्था में आ जाएंगे HbS HbS, तब क्या हो जाएगा, जो आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाएंगे वो ब्लड वेसल्स को क्लॉग कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, सीवियर ज्वाइंट पेन, लिवर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, किडनी, ब्रेन डैमेज, एंड दैट कैन रिजल्ट इन डेथ ऑफ द इंडिविजुअल ऑल्सो। सो द रिसेसिव लीथल जीन्स आर कैरिड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर वो हेट्रोजाइगोट है तो वो एक कैरियर है, वो अगली जनरेशन में पास ऑन कर सकता है उसे। ठीक है बेटा जी। नाउ रिसेसिव लीथल एलील की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके सामने, आप सारी की सारी याद रखें जरूरी नहीं है, मैं कुछ मेन मेन टिक मार्क कर देता हूं आपके लिए, वो आप याद रखिएगा। रिसेसिव लीथल एलील्स में यू कैन रिमेंबर एग्जांपल ऑफ टेसच डिजीज। टेसच डिजीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। देन हाइड्रोसिफेली इन माइस, हेलो जी, कैन यू ऑल सी मी, कैन यू हियर मी क्लियरली? ऑडियो वीडियो अब ठीक है, क्लियर सुन पा रहे हैं आप मुझे, प्लीज बताइए। ओके ग्रेट, फाइनली वी आर बैक। देयर वाज सम मेजर टेक्निकल इशू ऑल ऑफ अ सडन, बट वी हैव सॉल्व्ड इट। आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं और कितनी बेसब्री से आप लोग देख रहे थे। इमीडिएटली आई वांटेड कि मैं जल्दी से आकर के आपको चैट पे संभाल लूं कि आप सब ठीक रहिए, जुड़े रहिए। विल बी बैक। वी आर रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस गाइस, वी आर रियली सॉरी, बट कुछ चीजें जो है अनफॉर्चुनेटली हो जाती हैं, वो कंट्रोल में नहीं होती हैं, सो प्लीज एक्सक्यूज फॉर दैट। राइट जी, चलिए। हाँ बच्चे कह रहे हैं अब पिज्जा भेजिए आप हमें, ठीक है जी, इस गुनाह के लिए हम आपको पिज्जा खिलाएंगे, डेफिनेटली पक्का। ग्रेट ग्रेट। सो लेट मी अगेन सी ऑल माई राजा बेटाज एंड राजा बेटीज आर देयर। श्रेया, हजीबुर, आदित्य, खनीज, संयोगिनी, खुशी, डॉक्टर ओमकार, सोनल, हाय नकी अहमद, आकृति, अनुराग जी, दामिनी, ग्रेट, कोमल, अंशुमन, राजेश, शानू। ग्रेट जी ग्रेट। सब लोग वापस लौट आइए जल्दी से, जो लोग चले भी गए थे उनको वीडियो जल्दी से लिंक दोबारा फॉरवर्ड कीजिए कि भाई सब कुछ ठीक है, सर वापस आ चुके हैं, सो आई एम बैक विद यू। चलो राजा बेटा, बात कर रहे थे रिसेसिव एलील्स की, रिसेसिव लीथल एलील्स। हमने क्या डिस्कस कर लिया था? लीथल एलील की परिभाषा मैंने समझाई थी। लीथल मतलब जानलेवा, यदि वो एलील प्रेजेंट होगा तो जानवर की मृत्यु हो सकती है। जानवर हो या प्लांट हो, ऑर्गेनिज्म कह देते हैं इन जनरल, राइट जी। डोमिनेंट लीथल एलील्स रेयरली देखने को मिलते हैं क्योंकि जिसमें वो होंगे वो स्वयं ही खत्म हो जाएगा। कोट कलर इन माउस में सबसे पहले डिस्कवर किए गए, सबसे पहले वहां पे साइंटिस्ट ने इसे देखा था, अगूटी कलर, येलो कलर। हमने देखा जब उन्हें क्रॉस कराया जाता है, सो जो प्योरली येलो होते हैं जब उनको क्रॉस कराएंगे आगे, तो नेक्स्ट जनरेशन में आपको 2:1 रेशो मिलेगा। अब हम आ जाते हैं रिसेसिव लीथल एलील्स पे। ज्यादातर देखने को आपको रिसेसिव लीथल एलील्स मिलते हैं, इसके बाद कंडीशनल लीथल एलील्स भी अभी हमें डिस्कस करने हैं। सो इसमें क्या है हमारे पास जी, टेसच डिजीज।
Tay-Sachs disease mein there is accumulation of fat in the nerve sheaths. Ye hum already discuss kar chuke in our previous lectures. Hydrocephaly in mouth. Hydro is referring to water. Cephalic refers to the head structure, cranium. So irregularly formed skull and accumulation of CSF, cerebrospinal fluid. Humans may be hydrocephaly ho jata hai. Hum saadhi bhasha mein keh dete hain sir mein pani bhar gaya hai. That is actually excess production of the cerebrospinal fluid. Another example is albinism in corn. Humans may be albinism hota hai. So aap Tay-Sachs disease yaad rakh lena beta. Congenital ichthyosis yaad rakh lena yahan se. And sickle cell anemia, very very important, which we have already discussed in detail. Sickle cell anemia ka lecture agar kisi ne nahi attend kara hai, playlist par already available hai. Genetics ke previous lectures aap wahan pe zarur dekh lijiyega beta. Sickle cell anemia maine full detail mein discuss kar diya hua hai already aapke saath, right beta ji? So recessive lethal alleles mein mere bachche yaad rakhenge Tay-Sachs disease, congenital ichthyosis, जो मैं अभी आपको explain करूँगा, जिसमें custard leathery skin will deep fissures, skin से related disorder है, sickle cell anemia आप जानते ही हैं, that RBCs they become sickle shaped, sickle होती है धराती, घास काटने वाली, sickle shaped RBCs का lifespan बहुत ही कम होता है, कुछ ही हफ्तों का होता है, even 20 दिन तक भी हो सकता है, blood vessels को वो block कर देते हैं और बहुत सी complications पैदा हो जाती हैं। अब आप screen पे देखिए सामने एक patient दिखाया गया है, छोटा बच्चा जिसमें ichthyosis है, congenital ichthyosis. Can you see this slide clearly? मैं एक बार स्क्रीन पे नजर मार लूं जी, मेरे सभी राजा बेटा वापस लौट आए हैं. That's great जी. Okay, so देखिए congenital ichthyosis में क्या होता है बेटा जी? At birth, the children afflicted with this disease have a crusted leathery skin with deep fissures, cut होते हैं स्किन में down to the subcutaneous tissue. The fissures, they lead to bleeding, infection and death. This congenital ichthyosis occurs only when there occurs homozygous condition, right? So homozygous condition is ke allele ke liye, recessive allele mein ye lethal condition mein hai, congenital ichthyosis. कौन से क्रोमोसोम पर इसका अफ्लिक्टेड एलील प्रेजेंट है वो सब आपको नहीं जानना है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है दैट कॉन्जेनिटल इच्थियोसिस दिस इज एन एग्जांपल फॉर द रिसेसिव एलील्स. क्लियर है जी? Tay-Sachs डिजीज ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. द बियरर्स ऑफ दिस जीनोटाइप द बिगिन टू लूज देयर आईसाइट बिटवीन द एज ऑफ 4 टू 7 इयर्स. अगर ये एमोरोटिक इडियोसी है, राइट जी? It is actually a group of diseases. There are a lot many symptoms which are involved in this. The complete blindness is followed by mental degeneration and finally death can happen before the adolescence age, right? Next example. Ab hum aa chuke hain ji conditional lethal genes par. Conditional lethal genes maine aapko bataye jo certain conditions mein lethal effect show karenge, jo ki conditions environment bahar ka environment badalne par jo ki apna lethal prabhav lethal effect show karte hain, jisme hum samajhte hain aage. The genes which may be normal to the individual in a particular environment, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो नॉर्मल साबित होते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट बदल जाने पर दे मे प्रूव टू बी लीथल व्हेन द एनवायरनमेंट इज चेंज्ड. एनवायरनमेंट का बदलना, तापमान का बदलना भी एनवायरनमेंट का चेंज हो सकता है, जैसा कि हम ड्रोसोफिला के केस में देखेंगे. कंडीशनल लीथल एलील्स मे ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड when an individual is exposed to a particular agent in the environment. मान लीजिए आपने environment में कोई particular agent change कर दिया, जैसे glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme deficiency, G6PD deficiency का example है. जिस इंसान में G6PD deficiency होगी, अगर वो गलती से फावा बीन्स, काली मटर कहते हैं उसे, फावा बीन्स वो खा ले, या ऐसे खेत के आसपास से भी गुजर जाए जहां पे फावा बीन्स उगी हुई हैं, तो उसमें हेमोलाइटिक एनीमिया शुरू हो जाएगा. G6PD एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है आरबीसी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ NADPH व्हिच प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज.
आरबीसीज का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, यही ऑक्सीजन आरबीसी के लिए स्वयं के लिए नुकसानदायक साबित हो जाती है, तो G6PD एंजाइम उसे इस ऑक्सीजन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। यदि ये एंजाइम किसी में नहीं होगा, G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम डेफिशिएंसी कहते हैं इसे, यदि ये एंजाइम नहीं होगा बेटा जी, तो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही नाजुक हो जाती है, बहुत ही डेलिकेट हो जाती है। इन लोगों को भी एक फायदा होता है, फायदा ये होता है कि प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल सक्सेसफुली इनके आरबीसी में कंप्लीट नहीं कर सकता, तो G6PD डेफिशिएंसी वालों को इस बीमारी को फेविज्म भी कह देते हैं, इनको मलेरिया नहीं होता है, ठीक है जी। लेकिन नुकसान वाली बात ये है कि अगर ये फावा बीन्स खा लेते हैं या एंटी मलेरियल ड्रग्स भी ले लेते हैं गलती से, तो इनमें एक्सेसिव हेमोलाइसिस आरबीसीज का शुरू हो जाता है, ठीक है बेटा, राइट। तो यही बात थी कि एक पर्टिकुलर एजेंट को भी अगर एक्सपोज हो गए तो भी फिर वो कंडीशनल लीथल एलील्स अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। सो एजेंट वाली बात में मैंने एग्जाम्पल लिख दिया ये फावा बीन्स एज इन केस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम डेफिशिएंसी, आने वाली स्लाइड्स में थॉरली एक्सप्लेन्ड है, रिलैक्स कीजिए, वेट कीजिए, अभी आ रहे आगे। सो कंडीशनल लीथल जीन्स में तीन बातें याद रखिएगा, G6PD डेफिशिएंसी, टेम्परेचर सेंसिटिव एलील्स इन ड्रोसोफिला एंड द फेदर लॉस इन पोल्ट्री, कंडीशनल लीथल एलील्स की तीन एग्जाम्पल्स, G6PD डेफिशिएंसी, टेम्परेचर सेंसिटिव एलील्स इन ड्रोसोफिला एंड द फेदर लॉस इन पोल्ट्री। सो पहले G6PD डेफिशिएंसी के बारे में बता दूं, ये देखिए G6PD डेफिशिएंसी, G6PD डेफिशिएंसी का फुल फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम डेफिशिएंसी, यह एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है आरबीसीज में। This enzyme helps in synthesis of NADPH, which protects the cell from oxidative damage. In the absence of this enzyme, the plasma membrane of RBC becomes very delicate and it ruptures easily. मैं लिख देता हूं ये बात, यदि ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? In absence of this enzyme, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, डोनन्स मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही नाजुक हो जाती है और वो आसानी से फट जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी बिकम्स वेरी डेलिकेट एंड रप्चर्स इजिली अंडर सर्टन कंडीशंस। कंडीशनल एलील कहा ना, वो कंडीशंस क्या बोली मैंने, यदि वो पेशेंट गलती से फावा बीन्स खा लेता है, काली मटर कहते हैं इसे हिंदी में, या फिर वो ऐसे खेत के आसपास से गुजर जाता है जहां फावा बीन्स उगे हैं, फावा बीन्स की खेती हो रखी है, उसके पॉलन ग्रेन्स इनहेल करने से भी इसके लक्षण आने लग जाएंगे, या फिर वो गलती से एंटी मलेरियल ड्रग खा लेता है, हालांकि इन लोगों को कभी मलेरिया होता ही नहीं है क्योंकि प्लाज्मोडियम इनके आरबीसी में घुसने की कोशिश करेगा, आरबीसी फट जाएंगे, प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर इन्हें कभी मलेरिया नहीं होता तो वो एंटी मलेरियल ड्रग खाएंगे क्यों? बेटा एक प्रोफिलैक्टिक मेजर होता है, मान लीजिए किसी इलाके में मलेरिया एक एपिडेमिक की तरह फैलता जा रहा है, हम किसी भी जगह की उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए दिल्ली में हमने कहा कि मलेरिया के बहुत से केसेस हो रहे हैं, तो होता क्या कि गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में फिर सरकारी एजेंसीज ये कहती हैं कि एंटी मलेरियल दवाइयां पहले ही सबको बांट दो, भाई जिन लोगों को नहीं भी हुआ है वो भी एंटी मलेरियल दवाई खा लो कि कहीं तुम्हें हो ना जाए। तो ऐसा ही हुआ बहुत समय पहले किसी जगह पे, मलेरिया एज एन एपिडेमिक की तरह फैला और लोगों को एंटी मलेरियल दवाइयां बांट दी गई। नाउ जिन लोगों को G6PD डेफिशिएंसी थी, जिन लोगों को G6PD डेफिशिएंसी थी, गलती से जब उन्होंने एंटी मलेरियल दवाई खाई तो उनके शरीर में तो और भी भयानक लक्षण आने शुरू हो गए, आरबीसी रप्चर होने शुरू हो गए, दे वर रश्ड टू द हॉस्पिटल। तब हमें यह पता चला कि G6PD डेफिशिएंसी वालों को एंटी मलेरियल दवाइयां नहीं देनी होती क्योंकि उन्हें तो मलेरिया वैसे ही नहीं होगा, एंटी मलेरियल दवाई देके तो आप और ज्यादा नुकसान कर देंगे। क्लियर है जी, राइट? सुब्रत जी जी, कनीज फातिमा, समझ आ रहा है आपको? मोहम्मद फैजल, निकिता, नकी अहमद, रजा, संयोगिनी, आई होप क्लियर है G6PD डेफिशिएंसी के बारे में। सो बात कर रहे हैं कंडीशनल लीथल जीन्स की, जो कि एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलने पे अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, जिसके कारण की एक जानलेवा सिचुएशन पैदा हो सकती है, ठीक है जी। नाउ
यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल द पीपल विद डिफेक्ट इन द जीन दैट एनकोड्स द एंजाइम G6PD दे हैव अ नेगेटिव रिएक्शन टू द इंजेशन ऑफ फावा बीन्स. हिंदी में क्या बोला? काली मटर. दिस कैन लीड टू एन एक्यूट हिमोलाइटिक सिंड्रोम विद 10% मॉर्टेलिटी इफ इट इज नॉट ट्रीटेड. तो आप एक छोटे बच्चे में देखेंगे, यहां दिखाया गया है, जॉन्डिस पीलिया हो जाएगा ऑफकोर्स, बिकॉज आरबीसी जब टूटेंगे हीमोग्लोबिन टूटेगा. हीमोग्लोबिन टूटता है तो आप जानते हैं हेम एंड ग्लोबिन बनता है, फिर बिलीरुबिन बिलीवर्डिन पिगमेंट ब्लड में लेवल बढ़ेगा तो पीलिया हो जाएगा. कर्निक्चरस, कर्निक्चरस होता है डैमेज टू द न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स आर वेरी सेंसिटिव टू हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन. बिलीरुबिन ज्यादा होने से न्यूरोनल डैमेज होने लगता है, शरीर में पानी भी भरने लगता है, येलो स्किन हो जाती है. तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है, एक छोटे बच्चे में भी ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. बात चल रही है कंडीशनल लीथल जीन्स की, राइट जी. चलिए, एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है आपकी तरफ से, लाइक्स और प्यार भरे फूल और ढेर सारे केक्स एंड पिज्जास जो आप भेजते हैं वो आते रहने चाहिए, और वीडियो पे लाइक्स भी बढ़ती रहनी चाहिए ताकि मुझे फुल एनर्जी मिलती रहे जब तक कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा देता. अगला एग्जाम्पल है कंडीशनल लीथल एलील्स का, टेम्परेचर सेंसिटिव एलील्स इन ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई, आपकी जानी पहचानी. चलिए पहले मैं आपको ये एनिमेशन दिखा देता हूं. फ्रूट फ्लाई मधुमक्खी जैसी लग रही होगी आपको यहाँ पे. ड्रोसोफिला में जेनेटिक्स को में काफी सारी स्टडी मतलब ड्रोसोफिला पे की जाती है. उसके कई कारण है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होना, इसका पालन पोषण रख रखाव बड़ा आसान है, क्रोमोजोम नंबर कम है, ईजी टू डिस्टिंग्विश है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है इसमें फीचर्स बड़ी आसानी से समझे जाते हैं. तो इसीलिए आप जेनेटिक्स में अक्सर ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ते हैं. सो कई कारण है कि ड्रोसोफिला को जेनेटिक्स की स्टडी के लिए एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह क्यों लिया जाता है. देखते हैं जी क्या खास बात है टेम्परेचर सेंसिटिव एलील्स की ड्रोसोफिला में. सम कंडीशनल लीथल्स विल कॉज एन ऑर्गेनिज्म टू डाई ओनली इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज, एक खास तरह के तापमान पर ही मृत्यु होती है. These alleles are called TS, temperature sensitive lethal alleles. They are temperature sensitive lethal alleles. They have been observed in many organisms, including Drosophila. A TS lethal allele, small t, smallest, TS lethal allele may be fatal. Fatal का मतलब वही है, lethal या जानलेवा. For a developing larva at a high temperature, यदि आपने तापमान ज्यादा रखा, से लगभग 30 degree, तो वो फेटल है. बट द सेम लार्वा विल सर्वाइव इफ यू ग्रो इट एट अ लो टेम्परेचर, यानी 22 डिग्री, ठीक है जी. सो तापमान बढ़ने पे वो उनकी लिथैलिटी, वो फीचर एक्सप्रेस होता है और वो जानवर के लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं. क्लियर है जी. टेम्परेचर सेंसिटिव लीथल एलील्स दे आर टिपिकली कॉज्ड बाय म्यूटेशंस. इनकी वजह भी ऑफकोर्स म्यूटेशंस है दैट ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द एनकोडेड प्रोटीन. देखिए कोई भी जीन अल्टीमेटली एक प्रोटीन ही बना रहा है. अगर उस जीन में म्यूटेशन आया तो जो प्रोटीन बना है उसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाएगा और जो भी काम वो प्रोटीन कर रहा है फिर वो नहीं हो पाएगा. सो इट डज नॉट फंक्शन करेक्टली at the non-permissive temperature or it becomes unfolded and it is rapidly degraded. So, डिफेक्ट आ जाने की वजह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आया. प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिफेक्टिव होने से वो एक खास तापमान रेंज पर ही काम कर सकता है, उसके अलावा नहीं, ठीक है जी. कंडीशनल लीथल एलील कंडीशन के हिसाब से जो लिथैलिटी दिखाएं, कंडीशन तापमान का बदलना हो सकती है, एनवायरमेंट में किसी पर्टिकुलर एजेंट की एंट्री हो सकती है. फेदर लॉस इन पोल्ट्री, पोल्ट्री आप मुर्गी देख रही हैं बेचारी, इसके बाल ही नहीं है यहाँ पे. सो फेदर लॉस इन पोल्ट्री, यहाँ पे भी टेम्परेचर का रोल रहता है. इन पोल्ट्री अ रिसेसिव जीन कॉजेज द फेदर्स टू ब्रेक ऑफ. द चिकन्स होमोजाइगस फॉर दिस जीन, दे आर फेदरलेस. इफ दीज आर कैप्ट इन रिलेटिवली वार्म एनवायरमेंट तब तो वो सर्वाइव कर जाएंगे. इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो द ऑप्टिमम द फेदरलेस चिकन डाई. तो यहां पे भी हमें रोल नजर आ रहा है तापमान का, एक एक्सटर्नल एजेंट का. आई होप आपको बेसिक फंडा समझ आया होगा. लीथल जीन्स या लीथल एलील के तीन प्रकार, डोमिनेंट, रिसेसिव, कंडीशनल, तीनों की एग्जांपल्स भी आपको साथ के साथ याद रखनी है. कंडीशनल वाले में हमने एक तो ड्रोसोफिला में टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल लिया, पोल्ट्री में टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल लिया, और G6PD का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फावा बीन्स के रिलेशन में जो आपको नहीं भूलना है. क्लियर है मेरे राजा बेटा, राइट जी.
जल्दी से थम्स अप साइन, मुर्गी पसंद आ रही है आपको? दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल. किसी भी चीज को अगर विजुअल तरीके से आपके लिए यहां प्रेजेंट किया जाए तो ऑफ कोर्स आपको वो पसंद आती है, ये बात मैं जानता हूं. इसीलिए आई ऑलवेज ट्राई माय बेस्ट कि हर लेक्चर में कुछ एनिमेशंस, कुछ जबरदस्त से डायग्राम्स जरूर हों, राइट. जेनेटिक्स के आने वाले लेक्चर्स में इससे भी बेहतरीन डायग्राम्स आपको मिलने वाले हैं. ओके जी, थैलेसीमिया एक और एग्जाम्पल हमने देखा लिथैलिटी का, थैलेसीमिया. Now, thalassemia kya hai? It is characterized by severe anemia. There is enlargement of the heart. There are ulcers. Isme kya hai? There is decreased production of at least the globin polypeptide chains. Dekhiye, hemoglobin ka structure aap jante hain. There are two alpha chains, two beta chains. Jab hemoglobin chains ka synthesis nahi ho raha theek se, to thalassemia kehlate hain. Right? Sickle cell anemia alag hai. Usme to chain ke structure mein defect aaya hai. Glutamic acid is replaced by valine at position 6 in the beta chain of hemoglobin. Wo sickle cell anemia hai. Thalassemia mein hemoglobin chains ka सिंथेसिस नहीं हो पा रहा. थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर, कई तरह के थैलेसीमिया हैं. आने वाली क्लासेस में आपको और ज्यादा डिटेल में थैलेसीमिया के बारे में बताऊंगा. नाउ इट इज ड्यू टू डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन. दैट चेन कैन बी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कई तरह की चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन की. नाउ इट रिजल्ट्स इन अनबैलेंस्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस. Inheritance of thalassemia is autosomal. जो homozygous condition हो जाती है, जैसे beta thalassemia या Cooley's anemia, beta thalassemia major, ध्यान रखना इसमें major और minor में difference है. Beta thalassemia major, which is Cooley's anemia, the patient develops severe anemia and bone marrow hyperactivity will be there to produce more and more number of functioning RBCs. Clear है जी? So this is also an example of lethality. ऐसे ही lethal genes आपको snapdragon में, that is antirrhinum majus में study किए गए हैं. Snapdragons में there are green plants with chlorophyll, there are yellowish green plants or the golden plants or they call aurea plants, then there are white plants without any chlorophyll. So plants में भी lethal genes जो है वो study किए गए हैं. आप इसके crosses देखिएगा. Homozygous green plants जो हैं, स्नैपड्रैगन की बात हो रही है, उनका जीनोटाइप है कैपिटल सी कैपिटल सी. होमोजाइगस व्हाइट प्लांट्स में जीनोटाइप है कैपिटल सी एंड स्मॉल सी. हेट्रोजाइगस ऑरिया प्लांट्स जो हैं, दे हैव अ जीनोटाइप ऑफ कैपिटल सी एंड स्मॉल सी. अब आप इस क्रॉस में देखिए, जब ऑरिया को आप क्रॉस कराते हैं, हेट्रोजाइगस को क्रॉस कराते हैं, यू गेट ग्रीन ऑरिया एंड व्हाइट. जो स्मॉल सी है, कैन यू सी, वो लिथैलिटी की कंडीशन हो जाती है. सो रेशो हमारे पास 2:1 आ जाता है. यही लिथल जीन्स में हमने बेसिक बात पढ़ी कि जो रेशो है दैट गेट्स मॉडिफाइड टू 1:2. व्हेन टू सच ऑरिया प्लांट्स यू क्रॉस, द एफ वन प्रोजेनी विल हैव दिस फिनोटाइप, फिनोटाइपिक रेशो 1:2:1. व्हाइट प्लांट्स दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल बिकॉज लिथैलिटी एक्सप्रेस हो रही है उनमें, सो दे डाई एंड दिस इज हाउ द रेशो गेट्स मॉडिफाइड. क्लियर है जी? इतना स्नैपड्रैगन की एग्जांपल है. इसी तरह से मेज में भी, जिया मेज, इसका भी सेम एग्जांपल है, क्रॉस आपके सामने बनाया हुआ है. जैसे ही लेक्चर अपलोड हो जाता है आप इसे ध्यान से देखिएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. सो मैंने काफी सारी एग्जांपल्स ली आपके साथ टू एक्सप्लेन द लीथल जीन्स, राइट बेटा जी? सो आई होप लीथल जीन्स का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है. मेन मेन एग्जांपल्स याद रख लीजिएगा, डोमिनेंट वाली, रिसेसिव वाली एंड कंडीशनल वाली. क्लियर है जी? चलिए जल्दी से मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं. क्लास 11th के लिए मंडेज, ट्यूसडेज एंड वेडनेसडे मिलते हैं हम आप लोगों से. क्लास 12th के लिए फ्राइडेज, सैटरडेज एंड संडेज को. जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं करा है, अपने सेलफोन पे जरूर कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाएंगे. आपके साथ जो सैटरडे के सैटरडे हम लोगों ने टैड टेस्ट एंड डिस्कशन के पेपर्स लेने हैं, जो डिस्कशन करना है वो यहीं पे आपको भेजे जाएंगे पेपर्स, राइट बेटा जी? एंड एट द एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. आपके पास इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहने चाहिए. एंड पीडीएफ आपके लिए अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा. लेक्चर को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे, राइट बेटा जी? विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. कहीं जाइएगा मत, जल्दी से अपना चाय पानी, रूह अफजा, लस्सी, शिकंजी पी करके वापस लौटिए. आपका फिजिक्स का लेक्चर आपके सामने आने वाला है. ओके जी, बाय बाय, नमस्कार.